ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम सब्रोसो के कोई ना कोई लजीज डिश को बनाते हैं और इस वक्त हम बनाने लगे हैं सब्रोसो के सीख कबाब। हमने थोड़ा सा कश्मीर कुकिंग ऑयल वनस्पति डाला है और अब हम इनको डाल रहे हैं इनकी दो कढ़ाई टू फ्राई। आप बहुत मज़े का कबाब मसाला भी तैयार कर सकते हैं सब्रोसो के सीख कबाब से। यू कैन मेक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स और सब्रोसो के सारे ही जो आइटम्स हैं, जो सारे के सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल अमेजिंग। कल हमने जैसे कि पराठे तैयार किए थे सब्रोसो के, सो द पॉइंट इज़ फॉर एग्जांपल अगर आपने पराठा रोल भी बनाना है तो बेहतरीन ऑप्शन है सब्रोसो के ही सीख कबाब, सब्रोसो के ही पराठे। बीच में आपने कुछ इमली की चटनी डाल दी, रायता डाल दिया एंड यू आर गुड टू गो। थोड़ा सा आपने सैलड वगैरह डाल दिया। सो आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि सब्रोसो के तो ये अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको घर लेके आएँ। क्योंकि बात यह है कि ये स्पेशली इफ्तार के वक्त और सहरी में भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम खवातीन के ऊपर इतने डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना। एंड अगर आप ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं तो आप जूप का इस्तेमाल करें, ऐसे डाइट कॉन्शियस ना भी हों तब भी आपको एहतियात करनी चाहिए और एक्स्ट्रा ऑयल की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ऑयल इस्तेमाल करें लेकिन एक लिमिट के अंदर। तो जूप एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं, थोड़ा एहतियात करना चाहते हैं। और वैसे भी चाहे सर्फेसिस को क्लीन करना हो, चाहे आपने कोई भी चीज़ करनी हो, जूप इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और 260 कैलोरीज तक ये अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितनी देर तक हमारे सब्रोसों के सीख कबाब तैयार हो रहे हैं हमने इनको जूप के ऊपर निकालना है, वो तो हम करेंगे ही। लेकिन कच्ची जामुनश्री की आज एक बहुत मज़े की रेसिपी हमने शेयर करनी है, आप मुझे बताइए कि ये मैंने कैसे बनाया। जी ये हमने योगर्ट ले लिया है, प्लेन योगर्ट ले प्लेन दही जी बिल्कुल बॉक्स का ले लें या घर पे डला हुआ दही घर तो पे बना लें जो भी आप, क्योंकि देखिए ना कर्शी जामे श्री भी 100% खालिसर की आर्ट से तैयार कर रहा है। तो आप थोड़ा सा हमने फ्लेवर के लिए हम इसमें जेली ले रहे हैं, कोई आप सीजनल फ्रूट ऐड कर लें, ग्लास में भी डाल देंगे हम, फिर दही हम इसमें ऐड कर लेंगे। हाँ जी, ये आपने कर्शी जामे श्री को डाल दिया अपने योगर्ट के अंदर, ठीक है जी, जेली ऐड कर दें, अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लिया। नहीं भाई मैंने अपनी डिजाइनिंग मारनी, आप है मुझे ना करें ना। ये हमने थोड़ा सा डालना है ताकि उसकी एक प्रिटी सी लुक आ जाए। थोड़ा सा आपने डाल के इसको स्प्रेड अराउंड कर दिया, क्योंकि बात ये है कि ये एक इतनी लजीज रेसिपी बन जाती है और बाई हेल्दी इफ्तार के लिए तो ठीक है, लेकिन सहरी में भी ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। हम कहते हैं ना कि आप जरा थोड़ा सा यूज करें ज्यादा दही का, तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है स्पेशली बच्चे अगर नहीं खाते। अच्छा ये आपने योगर्ट अपना मिक्स कर लिया कर्शी जामुनश्री के साथ, ये आपका प्यारा सा पिंक योगर्ट तैयार हो गया। बेस में अब अगर आप, बल्कि ऐसा करते हैं कि बेस में हम डाल देते हैं थोड़ा सा बनाना को, ठीक है ना, ताकि वो थोड़ी सी कलर की वेरिएशन आ जाए। देखिए बच्चों को बड़ों को बड़ा अच्छा तरीका है ये फ्रूट भी खिलाने का, ये आपने डाल दिया, ठीक है। उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर हमने डाल दिया जेली का और इसके ऊपर से आपने योगर्ट पोर कर दिया, तो ऑलमोस्ट लाइक अ योगर्ट पार्फे। और अगर आपके पास थोड़ा सा ग्रेनोला भी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ऐसे करके आपने योगर्ट पोर कर दिया एंड योर गुड टू गो। सो द पॉइंट इज क्विक झटपट अमेजिंग सी रेसिपीज हैं हमारी कर्शी जामुनश्री के साथ जो आप तैयार कर सकते हैं। कर्शी जामुनश्री सिर्फ ड्रिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन ऑप्शन नहीं है, इन जनरल इट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। और स्पेशली अगर आपने बच्चों को लेके जाना है टूवर्ड्स हैविंग फ्रूट्स एंड थिंग्स लाइक दैट और वो नहीं खा रहे, ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है उनको खिलाने का। इसमें फिर मजीद आपने थोड़े से फ्रूट्स डाल दिए, थोड़ा सा आपने जेली डाल दिया और एंड आपका ये एक बड़े मज़े का ना अमेजिंग सा ये ले, ये आपका एक कर्शी जामुनश्री का ऑसम सा ये थोड़ा सा आपको पता है मेरा फेवरेट है तो इसलिए डालना ज़रूरी होता है। एंड ये लीजिए आपका अमेजिंग सा कर्शी जामुनश्री की रेसिपी भी तैयार हो गई। और साथ ही साथ क्योंकि आपको पता है इफ्तार का वक्त करीब है, हमने तैयार कर लिए सब्रोसो के सीख कबाब जिनको हमने ड्रेन आउट किया जूप के ऊपर। अच्छा अब ये सारी चीज़ें तो हम इंजॉय भी कर रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट व्यूअर्स जो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है,
कि हर इंसान का ख्वाब होता है कि उनका अपना घर हो, और अगर अपने घर की बात करें तो चाइना टाउन लाहौर का नाम सर फहरिस्त आता है। इको फ्रेंडली स्मार्ट लिविंग, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना घर बनाएं तो ये एक बेहतरीन जगह है, चाइना टाउन लाहौर अब बनेगा सबका घर। सिर्फ 4 दिन बाकी हैं हमारे लकी ड्रॉ में, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं इको फ्रेंडली स्मार्ट लिविंग, और आप अपने प्लॉट को बुक करवाएं या अपने बाकी के जो बकाया जात हैं उनको क्लियर करें और आप भी लकी ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मोल्टीफोम एक ऐसा अमेजिंग ब्रांड जिसने बड़ा अमेजिंग ऑप्शन दिया है कि आप अपने पुराने मोल्टीफोम के मैट्रेस को दे के नया मैट्रेस जो है वो ले सकते हैं, और ये हैरत अंगेज़ ऑफ़र है इनकी, रियायती कीमत पे मौजूद है, आप इसको जाके अवेल कर सकते हैं। और मोल्टीफोम अपनी एक्सेसरीज़ और अपने वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स की वजह से वैसे ही वर्ल्ड फेमस है। एंड फाइनली रॉयल फैन, लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, रॉयल फैन की पायदार मोटर और मजबूत डबल प्लास्टिक बॉडी के साथ रॉयल वॉशिंग मशीन कारकर्दगी और पायदारी में अपनी मिसाल आप है। मशीन्स में एनर्जी सेवर टेक्नोलॉजी है और इसको इस्तेमाल करने से बिजली भी कम यूज़ होती है। सो हर इंसान की टेंशन है कि खर्चा कैसे बचाएं, एक तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ले सकते हैं और उसके साथ साथ आपका खर्चा भी बच जाता है। जेट स्ट्रीम सिस्टम है, स्क्रीन लिड है, वाटरफॉल है, लार्ज टब है, हर तरीके से रॉयल की वॉशिंग मशीन एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ऑफ कोर्स दुआ की तरफ भी जाना है और अपने प्यारे गेस्ट से ये भी जानना है कि वो हमें क्या आज प्यारी बात मीठी बात बताएंगे।